सराफा व्यापारी के साथ लूट करने वाले महज 24 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार की दोपहर धनखेर गांव के पास नागौत के सराफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 25,000 की नकदी सहित करीब करीब 13 लाख के आभूषण लूटे गए थे। लुटेरों ने कार के सामने बाइक लगाकर व्यापारी को रोका था और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सतना जिले के धनखेर गांव के पास सोमवार के दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई थी। नागौत कस्बे से ग्रामीण क्षेत्र में सोना चांदी के आभूषण का व्यापार करने निकले व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी को बाइक सवार 3 युवकों ने लूट लिया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के धनखेर मोड़ के पास व्यापारी के साथ 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कार के सामने बाइक लगाई और मारपीट कर करीब 14 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और आखिरकार मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की निशानदेही कर तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों लुटेरे धनखेर गांव के ही निवासी हैं। पुलिस ने छोटू उर्फ शिवजीत सिंह, अमन सिंह और अंकुल सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने के 185 ग्राम के आभूषण, 5.5 किलो चांदी के आभूषण सहित 25,000 की नकदी बरामद की है। साथ ही लूट में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है। दिन दहाड़े सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना के जल्द खुलासे में सतना जिले का सराफा व्यापारी पुलिस का स्वागत किए हैं। सराफा व्यापारी के साथ में जो सनसनीखेज की लूट की वारदात हुई थी, उसका जो है पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया है। 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से करीब 185 ग्राम गोल्ड के जेवरात, 9,58,000 रुपये के, 5.5 किलो चांदी करीब 3 लाख रुपए की और 25,000 रुपए नकदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। कुल करीब 14 लाख का मशरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया जा करके तत्काल इस सनसनीखेज लूट की वारदात का पर्दाफाश किया गया है। आरोपी जो है वो सभी धनखेर गांव के रहने वाले हैं। उनके नाम हैं अमन सिंह, छोटू सिंह एवं अंकुल सिंह। ये तीनों धनखेर के रहने वाले हैं, जहाँ पर घटना हुई है उसके पास के ही गाँव की। जैसे ही फरियादी अपनी व्यापार कर रहे थे उस दिनांक को, जो कि घर घर पे जा कर के अपना सामान बेचते हैं, तो जब वह अपना व्यापार एक जगह पे करके जा रहे थे तो अपनी 4-व्हीलर गाड़ी जैसे ही उनकी धनखेर मोड़ के पास में पहुंची, तो इन तीनों आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल पे आकर के गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और फरियादी के साथ में मारपीट करते हुए 2 जो झोले थे जिसमें सोने और चांदी के जेवरात थे उनको लूट करके और 25,000 रुपये नकद लूट करके वहाँ से फरार हो गए थे। जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा तत्काल नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के उपरांत में CCTV चेक किए गए, मुखबिरों को मामूर किया गया। मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को आज इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। साथ ही साथ में 14 लाख करीब का मशरूका भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। हाँ बिल्कुल, अब चालू हुई।